टाइम गवाए, मिलते हैं हमारे चारों सुपर डुपर कैप्टन से। प्लीज वेलकम रवीना टंडन, शेखर सुमन, श्रेयस तलपड़े, अर्शद वारसी। चार कैप्टन्स, चार टीम्स और एक महामुकाबला जहां वीकली विनर को मिलेगा ये चमचमाता ताज। सात सागों बनेंगे अमल सरदार और मुकाबले के अंत में विनिंग टीम को पूरे 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। कल हुआ टीम राउंड और स्टैंड अप राउंड में दो परफॉर्मेंसेस और आज होंगी बाकी की स्टैंड अप परफॉर्मेंसेस। बस थोड़ा और इंतजार और अब होगा मेक और ब्रेक चैलेंज राउंड। हमारे आज के चैलेंज राउंड का थीम एक दूजे के लिए। इस राउंड के एंड में टॉप स्कोरिंग टीम को मिलेंगे बोनस 10 पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैलेंज राउंड। अब आने वाली है श्रेयस जी मंडली। श्रेयस, ये 10 पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, तो क्या तैयारियां है आपकी? कोशिश की है सभी ने मिलके, अच्छा एक्ट सोचा है। हम आपको एक रेलवे ट्रैक पे ले जाने वाले हैं। वहां पे एक बंदा मरने के लिए आया है और एक बंदा करने के लिए आया है। छोटा तालियां श्रेयसी मंडली के लिए। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, काम कोई। ये जगह सही है मरने के लिए। अरे रे 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 रे, अरे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे रे। ये जगह एकदम बढ़िया है करने के लिए। आजा आजा। ए ए ए ए, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इधर? अब रेलवे लाइन पे कोई क्या करने आता है? मरने आता है? नहीं, करने आता है। अरे सरकार ने बनाया है ना सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय का नाम नहीं लेना, वहाँ धोखा होता है। कैसे? आदमी सिक्का देके अंदर जैसे जाके बैठा, बाहर से बोलता है 3 नंबर खाली करो। ऐसा बोलता है? हाँ, उसका 2 नंबर निकला नहीं तो 3 नंबर कैसे बाहर आएगा। साहब, नल बंद। साहब, हमें रेलवे लाइन पे कर लेने दो। काय को? रेलवे लाइन पे करने का अलग आनंद है। ट्रेन की सीटी के साथ प्रेशर बनता है। इधर ट्रेन आई, इधर चक 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 चक। अरे कैसा वाहियात, गंदा आदमी है रे तू। साहब आदमी नहीं है, बैंड वाले हैं। यहाँ से जाते हैं, मैं बाजा बजाना है। अच्छा, आपको पता है बाजा बजाने में कितना ताकत लगता है? बाजा इसे लो, इसे लो। ये बाजा की आवाज है। मैं इधर मरने आया है, तेरे को अपने करने की पड़ी है। मरने आये हो? फिर तो आपको मारने वाला ट्रेन कितने बजे आ रहा है? अभी 10 मिनट में गीतांजलि आ जाएगी, उसके नीचे आके मरना है। 10 मिनट में? हाँ। अरे हम तो 2 मिनट धड़ाम से करेंगे, फटाक से निकल जाएंगे। तेरे को डंडे का भाषा समझेगा? चाल साहब, गरीब आदमी डरा रहे हो। क्या डर गया? अरे देव पांडुरे का परमेश्वर, माझा ऐकल रे बाबा, तू ऐकल? आज तक तू पहला आदमी है जो ये रेलवे पुलिस से डर है। आप रेलवे पुलिस में हो? चल भागो, चल भागो, चल। देखो मेरे को गुस्सा। ए रेलवे पुलिस, ज्यादा नाटक मत कर, समझे? गुस्सा मैं असली पुलिस को बुला के अंदर करवा देंगे। मेरा ही किस्मत खराब है। अच्छा, कल पूरा दिन मैं ये पटरी पे बैठा था। आप बैठे थे तो हमें क्यों नहीं बैठने दे रहे हो? मैं उसके लिए नहीं बैठा था। हाँ। मैं आत्महत्या करने बैठा था। हाँ, और ट्रेन या पटरी से निकल गई। जब आप ये पटरी पे बैठे थे, आप देखे ट्रेन उधर से आ रही है, तो रेलवे लाइन पार करके आप उधर चले जाते। देखो देखो देखो, ऐसा गलत बात नहीं बोलने का। रेलवे लाइन ऐसा पार करना गलत है, कानूनन जुर्म है, गुनाह है। अरे
आप तो बहुत जबरदस्त ईमानदार हैं। ईमानदार मैं आपको तो मर ही जाना चाहिए। बरोबर बाबा, ईमानदारी नहीं मेरे को फंसाया है। कैसे कैसे? बहुत लंबी कहानी है। जेनिफर दो चाय बोल दो। अब बताओ लंबी कहानी बताओ। परसों मैं केला ले रहा था खाने के लिए। अच्छा हाँ। मैं केले वाले को पैसा दे रहा था। हाँ। और केले वाला पैसा ले रहा था। हाँ। उसने मेरे को फंसा दिया। उसमें कैसे फंस गए? अरे बाबा, जब मैं केले वाले को पैसा दे रहा था और हाँ। केले वाला पैसा ले रहा था हाँ। तभी वहाँ पे एक मीडिया वाले ने हमारा फोटो खींच लिया। हाँ, उसने हाँ, फोटो लेके अखबार में छाप दिया। हाँ, अब अखबार में फोटो देख के थोड़ी पता चलता है कि पैसा दे रहा है कि ले रहा है। ये मीडिया वाले होते ही ऐसे। हाँ। आप राखी सावंत को ही ले लो। अरे अभी टाइम किधर है? अभी 10 मिनट में गीतांजलि आएगी, उसके नीचे आने। चले काम करते हैं, तब तक अपन कुछ खाते हैं। ये ले, चने खाएगा। हम खाएं? हाँ चना खा। तुम्हारी बीवी आ गई बचाने के लिए। ये मेरी पत्नी है। क्या? ये मेरी पत्नी नहीं है, ऐसा बोल रहा है मैं तो। क्या नाम है तुम्हारा बेबी? गीतांजलि। गीतांजलि गीता। अच्छा यही है जिनके नीचे आपको आना है। ये शरीफ लड़की है। मैं गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ ट्रेन के लिए आई हूँ। हाँ। मरना चाहती हूँ। कौन सी पटरी पे आएगी? ट्रेन ना, यही पटरी पे आने वाली है। मैं भी मरने के लिए आया हूँ। सच? आओ हम दोनों एक साथ लेट जाते हैं। नहीं, मैं मरने के लिए आया हूँ। तुम भी यहाँ मरने के लिए आए हो? हम हम ऐसे तो आए थे कुछ और करने के लिए, मगर आपको देख के लग रहा है कि कुछ और करें। क्या सवाल? आप कहे मर रहे हैं? आप तो सुंदर भी हो, पॉलिश वॉलिश गोरी एकदम। अपने पति की वजह से बहुत ही बेईमान और लालची और रिश्वतखोर इंसान है। हाँ, कोई भी काम पैसों के बिना नहीं करता। अच्छा? मैंने उसे कहा हाँ। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड रखी हुई है, साइन कर देना। हाँ। कहता है साइन कर दूंगा लेकिन एक फाइल के 100 रुपए लूंगा। तुम्हारा दुख देख के हमें अंदर से लग रहा है कि हम भी मर ही जाएं। ये तू पहले डिसाइड कर ले, तू करने के लिए आया है कि मरने के लिए आया? कर लिया। इधर खड़े खड़े कर। नहीं नहीं, डिसाइड कर लिया। क्या कर लिया? तो हमें मरना है, और जब मरना है फिर काहे को करना है। वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है। हाँ। मैंने सुना है कि जीभ बाहर निकल जाती है। जीभ बाहर? हमने तो ये सुना है कि आत्मा बाहर निकल जाती है। अरे हाँ। तेरा क्या क्या बाहर निकलने वाले मालूम नहीं रे बाबा। मेरे तो आंसू बाहर निकल रहे। ए, ए, गीतांजलि गीतांजलि रोना नहीं, रोना नहीं, मेरे कंधे पे सर रख के रोना। अरे देवा गीतांजलि, तुझे दुखी देख के मेरे को इतना खुशी मिल रहा है, मैं क्या बताऊं बाबा। सुनो सुनो मैडम, मैडम इसी टाइप की खुशी हमें भी दे दो। चल चल, क्या अभी खुशी मेरी है ना, तू और कोई खुशी जाके ढूंढ। चल। अरे एक मिनट, आखिरी वक्त में कहाँ ढूंढेगा खुशी? मुझसे ही काम चला लेने दो। आओ। मैडम मुझे खुशी मिलनी स्टार्ट हो गई है। और मेरी भी खुशी बढ़ रही है। और मेरे लिए तो दिवाली धमाका ज्यादा खुशी मिल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम तीनों को इतना खुशी मिल रहा है हाँ। तो हम लोग मर काय को रहे, आत्महत्या काय को कर रहे हैं। वैसे एक बात और है हाँ। ये जिंदगी ना हाँ। ईश्वर की देन है। और गम का क्या है, दुनिया में जहाँ देखो वहाँ गम है। अरे इसलिए बोल रहा हूँ बाबा, जिंदगी खुल के जियो, क्योंकि जिंदगी में बड़ा दम है। क्या आप ही बताइए, जो भी किया वो
शब्दों में आप लोगों की प्रशंसा करना ये अन्याय होगा, सो आई थिंक यू गाइज ट्रूली डिजर्व अ स्टैंडिंग ओवेशन. जब से कॉमेडी का ये शो शुरू हुआ महामुकाबला, ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है. सुपर एक्ट श्रेयस बॉस, आउटस्टैंडिंग यार, सुपर श्रेयस. अगेन रोशनी, यू आर एब्सोल्युटली डिलिशियस ऑन स्टेज. आई कैन अंडरस्टैंड ये दोनों की फीलिंग्स ऐसी क्यों थी. राजू जी आपका क्या कहूं मैं अभी, आप कुछ भी कहते हैं मजा आता है. Fabulous. I think all three of y'all were excellent. चलिए आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं अर्शद के पंटर्स को. अर्शद, अब तक तो आप यहाँ के बादशाह रह चुके हैं, लेकिन इस चैलेंज राउंड के बाद कुछ भी हो सकता है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? हमारी कोशिश तो रहेगी कि हम लोग जीत जाएं, वो ताज भी पहन लूं मैं. और जहां तक ये एक्ट का सवाल है, बड़ा प्यारा सा है, एक हिल स्टेशन पे थोड़ा सा रोमांस हो रहा है और कुछ कबाब में हड्डी भी आ रहे हैं बीच में, सो आई होप आप लोगों को पसंद आए. तो देखते हैं अर्शद के पंजरों को जो फेस कर रहे हैं हनीमून ट्रबल्स. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अर्शद के पंजर. पता है गुड्डे, यहाँ से आवाज लगाने पे ना इको आती है. गुड्डे 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 माय गॉड, बदतमीज, अकेली लड़की देख के छेड़ता है ये, तो अच्छा हुआ जी इसने मुझे आवाज लगा दी बुड्ढे बुड्ढे बुड्ढे. मैंने कहा जी गुड डे. गुड डे टू यू टू जी. ही इज माय हस्बैंड, मेरे पति. और हस्बैंड है? अच्छा अच्छा, फिर चिल्ला क्यों रही हो, एंजॉय करो. आपको क्या लगता है जी मैं किसी लड़की के साथ बदतमीजी करूंगा? ओए तू जिस काम के लिए ऑथराइज्ड है वही कर ले, बहुत है. एक फोटो हो जाए. हाँ हाँ, आपके साथ फोटो ले लेंगे तो हमारी भी बड़ी इच्छा है, हो जाए. ए, भाई हम दोनों की फोटो यार. ओहो, मैं कोई बिल गेट्स हूँ, मुझे फोटो खींचना कहाँ आता है बता. तू खींच के बताएगा तो मुझे पता चलेगा ना. अबे हाथ है, हाथ है ना, इसे अपना हाथ समझो, ये तुम्हारा हाथ है, फर्ज करो ऐसे तुम्हें हाथ रखना है. अच्छा, तो टाइट पकड़ना है. हाँ, देर से समझते समझ, एक क्लोजअप ले फेस का, ले फेस अपना समझ इसे. ए लाल किले ताजमहल आगरे गोलकुंडे कुतुब मीनार. एक दरियागंज दे दे भाई. बरसी मनाने की उम्र हो गई, हनीमून मनाने आए हुए हैं. ए मिस्टर, ए मेरी बीवी है. देखो बाबू, अपने नए कपड़े पड़ोस की दीवार पे नहीं सुखाते, चोरी हो जाते हैं. हेलो यो गाइड, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ शांति की तलाश में आया हूँ. शांति की तलाश में? हाँ. कसम खुदा की बता रहा हूँ, जिसके इसके हाथ फोटो खिंचवाए ना, सब अपनी बीवी की तलाश में है यहाँ पे. आप ये सब कैसे जानते हैं? खानदानी गाइड साहब, यहाँ की हर क्रिश के बारे में जानता हूँ. आप यहाँ खड़े वो हनीमून पॉइंट है, सामने रोलिया जूमेट पॉइंट है, यहाँ पे नीचे मंदाकिनी फॉल, आई लव यू मंदाकिनी. यहाँ पे मंदाकिनी के नाने का सीन लिया था फेमस डायरेक्टर राज कपूर ने. हाय डार्लिंग, चलो ना, जहाँ मंदाकिनी ने बाथ लिया था हम भी वहीं जाके नहाएंगे. चलो चलो चलो, ला 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 ला. तुम क्यों आ रहे हो?
मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नहा लेना, हम भी देख लेंगे। मैं नहीं नहाऊंगा। कोई गल नहीं, मैं नहा लूंगी। बस ठीक है, है? क्या? हमें वो मंदाकिनी वाली प्लेस में ले जाओ ना। मिस इस गाइड का हाथ छोड़ दो, कसम खुदा की मिस गाइड हो जाएगा। यार थोड़ा एंजॉय करते हैं, मंदाकिनी देखते हैं, वहाँ नहा रही है। चाचा मुझे पता है आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, यहाँ के सभी धार्मिक स्थलों पे इनकी फोटो लगी हुई है, नीचे लिखा हुआ है कि नहाती हुई महिलाओं को देखने वाले से सावधान। ओए वहाँ लिखा हुआ है नहाती हुई महिलाओं सावधान, मन का मैल पानी से नहीं प्राश्चित से मिटता है। और आप जैसे कि प्राश्चित के लिए वहाँ सुसाइड पॉइंट बनाए, आओ चलो बिस्मिल्लाह करो, आओ। यार सुने यहाँ फिल्में बड़ी बनती है। बिल्कुल सही सुना है, कमरा अच्छे से चेक कर लेने तो तुम्हारी भी बन जाएगी। मैंने सुना यहाँ ठंड काफी अच्छी पड़ती है। हाँ जी, इतनी अच्छी ठंड पड़ती है कि खांसी हो जाती है अच्छी खासी। कंबल की जरूरत पड़ती है या नहीं? देखो बाबू, सिर्फ कंबल के भरोसे पे मत रहना, आप आग भी जला सकते हैं वैसे। अच्छा, योगा, योगा बेस्ट है, मैं यूथ क्लब में कराता हूँ, करना कुछ नहीं तो बड़ा सिंपल है, ऐसे बैठो, देखो करना क्या है। लो जी कितना फास्ट कर रहे हैं। ओ तेरी वैरायटी भी दे रहे हैं। सांस है, क्या हुआ इनको, सांस नहीं आ रही? कुछ नहीं, नेचर ऐसी पॉपुलेशन बैलेंस करती है। क्या यार सांस नहीं आ रही, इन्हें मुंह से सांस देनी पड़ेगी। सांस नहीं आ रही, तेरे तो सांस जाने वाली है चाचे। सांस देनी पड़ेगी। यार एक काम करते हैं, इसको ना प्याज सुंघाते हैं, सांस आ जाएगी। नहीं नहीं, इसको गोबर सुंघा देते हैं, मुझे सांस देनी पड़ेगी। और नहीं नहीं, मोजा सुंघा देते हैं। एक लड़की की भी सुन ले। मुंह से सांस देनी पड़ेगी। हाँ मुंह से सांस देनी पड़ेगी ना, मैं दे देता हूँ। डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर लोग चेक करिए ब्लड प्रेशर और चाचा को अच्छा करिए। रवीना कैसी लगी आपको ये हिल स्टेशन की सैर? सुनील एक आज एक चीज सर्टिफाई हो गई है कि आप पागल हैं। यू आर अ मैड मैन। कुछ हद तक कोई दीवानगी ही होगी जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज आप देते हो अपने। रश्मि यू वर आल्सो फैंटास्टिक इन तीन पागलों में, आप एक फूल जैसी पूरी ऑलवेज खिल के आती हैं। ऑल ऑफ यू वर फैंटास्टिक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इनका टीम वर्क इतना अच्छा है और वो स्टेज का इतना प्यारा इस्तेमाल करते हैं कि आके यू नो दे जस्ट स्टार्ट प्लेइंग ऑन स्टेज। एंड ऑफ कोर्स रहमान इज वेरी गुड विद हिज पंच लाइंस, वो अपने अपने इम्प्रोवाइज करते हैं। और सुनील खेलता रहता है स्टेज के ऊपर, थोड़ा ऑडियंस से एक्स्ट्रा लाफ्टर आ गया तो वो छूट जाता है, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वेरी गुड। आप लोगों का टीम वर्क हमेशा, जब से आप लोगों ने शुरुआत की है कॉमेडी का महामुकाबला, तब से कमाल करा है। साहिल भी जब हमेशा छोटा रोल रहता है लेकिन अपनी छाप ये छोड़ के जाते हैं, क्योंकि इतनी बारीकी से उसको पकड़ते हैं किरदार को। और थ्रू आउट उसको, मतलब रहमान साहब तो रश्मि को पकड़ने में लगे हुए थे लेकिन ये किरदार को पकड़ के रखे हुए थे। Hats off to all of you. Fantastic. वो कह रहे थे ना कि हमारा तालमेल इतना अच्छा है, मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने हमसे थोड़ी कंजूसी की, हमको एक दिमाग दिया और बोला पांचों में बांट लो। तो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन, वी आर शेयरिंग अ ब्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवीना आपको क्या लगता है कि ये ताज आपके पास आ जाएगा? आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट बिकॉज आई नो द बेस्ट इज गोइंग टू कम नाउ। इट्स अ म्यूजिकली ओरिएंटेड थीम, आप अभी देखेंगे स्लोली स्लोली रिवील होगा, तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रवीना के मोरे। मैं बप्पी, कोई दे बप्पी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चुम्मा। एक क्या है मीका, चुम्मे के काबिल, मैं क्या हूँ बिल्कुल निकम्मा। तमा तमा लोगे, तमा तमा लोगे, तमा
श्रीकाल जी, रीना बेटी कैसी हो, ठीक हो? नहीं, मेरे को पता भी आप सोच रहे हो भी बब्बी लहरी पंजाबी बोल रहा है। नहीं, दरअसल मैं हूं ही पंजाबी, बंगाली तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ क्योंकि लोग पसंद करते हैं ना। आप सब खुश हो गए लेकिन मैं आज थोड़ा दुखी हूँ, मुझे कोई काम नहीं दे रहा सर। लेकिन मैंने सोच लिया अब मैं वो करूंगा जिस चीज के लिए मैं फेमस हूँ। मैं एक ऐसी जोड़ी बनाऊंगा और डिस्को के दौर को वापस लेके आऊंगा। है कोई लड़की बनेगी जो डिस्को रानी, अंधी हो या हो कोई भी चलेगी कानी। दिलरुबा नहीं आई तो आ जा बिबा, हो मिल यार से। डार्लिंग डार्लिंग आंखों से आंखे चार कर रहे दो, रुको ना रुको दिल को प्यार कर रहे दो। एक मिनट, क्या चार करने दो, दो से तेरा काम नहीं चलता? आपको पता नहीं मैंने कहा नहीं देखा। कम ऑन भाभी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ डिस्को सेंसेशन उषा उथुप। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं कि बिंदी के पीछे आप भी हैं। शेखर जी, जब ये पजामा धो के सूखने डालते हैं ना तो सात माले की बिल्डिंग की धूप रुक जाती है। एक बार तुमने मेरा पजामा क्या धो दिया, अब सारी उम्र क्रेडिट लेती रहोगी यार। बातें तुम्हारी कैसी भी हो पर गाने तुम्हारे बहुत घटिया होते हैं। ये क्या बनाया है? ओ गयो ओ गयो हलवे बोलो ओ गयो, क्या गाना बनाया ये? जब मैंने गाना गाया था तो ऐसे ही ठीक ही था, लेकिन आपने गाया तो बेड़ा गर्क हो गया। इसीलिए मेरे को कॉपी करने वाले लोग पसंद ही नहीं है। पप्पी बात तेरी मेरी हो रही है, बीच में प्रीतम को क्यों लाते हो? पूरे साफ साफ बताओ, तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओगे कि नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है, आप इतनी बड़ी स्टार, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको हाँ कर दूं? तुम मुझे पार्टनर बनाने के लिए मना कर रहे हो जी? मुझे हाँ जी। उषा उत्थुप को भगवान करे तेरे डबल चिन के नीचे मधुमक्खी का छत्ता बन जाए, भगवान करे तुझे कोई पार्टनर ना मिले, भगवान करे तुझे कुछ ना मिले। सारी ड्यूटी भगवान की लगा गई, भगवान करे भी तू कुछ ना करे। लेकिन इसको पता नहीं है कि मेरी टीम में और भी लड़कियां हैं। आप वही है ना जो इधर से आई अभी? मैं हूँ बॉलीवुड की पहली ग्लैम क्वीन ज़ीनत अमान। शक्ल से गुरदास मान लग रही हूँ। तुमने मेरी सत्यम शिवम सुंदरम नहीं देखी? सबने देखी थी लेकिन उसमें ना आपका चेहरा किसी ने नहीं देखा। ये ठका हुआ था ना। तो आप ध्यान से देख लो, चेहरा भी और अदाए भी। ये क्या गाना है? आप जैसा कोई भाई, मेरे जैसा क्यों, मैं क्यों नहीं, मुझे कीड़े पड़े हैं, मेरे में क्या कमी है? अपना मुंह देखा है कितना बड़ा है। मेरी पार्टनर तो वो बनेगी या वो बनेगा जिसमें टैलेंट होगा, और वो ऐसा होगा वो मेरे जैसा होगा। डिस्को में अटका है, मुझे देख, मैं डांस का जज बन के रंबा सांबा टैंगो मैंगो लीची पपाया सब सीख गया, कोई शक।
अभी शक तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता, आपने कह दिया हमने मान लिया, करके दिखाओ। ओके, ये देख रंबा, ये देख सांबा, ये देख टैंगो, कोई शॉट। सारे स्टेप्स एक जैसे हैं, लेकिन एक्सप्रेशन तो अलग अलग है। वैसे भी डांस से ज्यादा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई शॉट। वैसे तुम यो कर क्या रही हो? जीनत मान को मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। पार्टनर तो सिर्फ मैं ही बनूंगा, जीनत का कोई शॉट। मिच्छू, तुमने मेरी दिल की बात बिल्कुल नहीं बूझी। पार्टनर तो मैं बनूंगी भप्पे की। आयश, ये क्या हो गया साला? सिर्फ दो में जोड़ी नहीं होती, तीन में भी होती है। हम बने, तुम बने, एक तीज